आज मैं अपना हेयर स्मूथिंग कराने आई हूँ। इससे पहले मैंने कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता ये सलून का कि यहाँ पे कैसा काम किया जाता है, तो मैं भैया से, मैंने अपने बालों को भैया को सौंप दिया है कि आप करो जो करना है। अब देखते हैं कि बाद में कैसा मेरा लुक होगा इस। तो पहले भैया से पूछते हैं कि भैया आपके सलून का नाम क्या है। हमारे सलून का नाम ग्लैम स्टूडियो यूनिसेक्स सलून है। थोड़ा लाउडली बोलोगे? हमारे सलून का नाम ग्लैम स्टूडियो यूनिसेक्स सलून है, जो आर्य समाज मार्केट में है, मुथूट फाइनेंस के सामने। ओके। तो आपके सलून को कितना टाइम हो चुका है? मैम इसे 5 ईयर हो गए। अच्छा, और जो कस्टमर आता है उनका रिस्पांस कैसा है आपके लिए? मैम अच्छा है कस्टमर, तभी तो 5 साल से यहाँ पे बैठे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टाइम आप क्या कर रहे हो मेरे बालों में? स्मूथनिंग कर रहे हैं मैम, लोरियल एक्सटेंसिव प्रोडक्ट है हमारा, उसकी स्मूथनिंग कर रहे हैं आपके लिए। मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, बस मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अगर अच्छा होगा तो नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है मैं यहीं पे आऊँ। मैम अच्छा रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। तो आप इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? मैम कैरेटीन करते हैं, हाइलाइट्स करते हैं, ग्लोबल कलर करते हैं। यूनिसेक्स सैलून में जो भी होता है इंक्लूडेड सभी होता है हमारे पास, सारी सभी सर्विस। और जो ब्राइडल जो मेकअप्स हैं उनके बारे में बताएंगे जरा? ब्राइडल के हमारे पास 7000 से स्टार्टिंग मेकअप की है। ओके। और उसके अलग अलग चार्जेज हैं, 7000 है, 10000 है, 15000 है, अलग अलग हैं चार्जेस। हर तरह का ब्राइडल मेकअप होता है, पार्टी मेकअप भी है, उसमें हमारा 999 से स्टार्ट है पार्टी मेकअप। उसमें ड्रेसिंग होता है हमारा मेकअप स्टूडियो क्राइलोन और मैक, तीनों मिक्स होता है। और वैक्स के क्या चार्जेस हैं? वैक्स के 200 जी, वैक्स के 200 चार्जेस। 200 स्टार्टिंग है? हाँ जी, आर्म्स के चार्जिंग 200 है। अच्छा। सो गाइस, मुझे इस टाइम ना ऐसे हो रहा है, हार्ट बीट बहुत तेज है। मैं पहले ये सोची थी कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी बालों को छुड़वा के, अब बाद में पता चलेगा कि क्या लुक होने वाला है। एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा डर भी है, खासतौर पे ज़्यादा डर इसलिए कि कहीं बाल बाद में और ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं। वैसे ही आप लोगों को पता है, जैसा कि आपको पता है कि रियांश होने के बाद ही मेरे बाल आधे से ज़्यादा टूट चुके हैं और रहे बचे वो पकड़ पकड़ के खींचता रहता है। बहुत डर लग रहा है मुझे। अभी तो मेरे घर में किसी को नहीं पता, मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा ना तो पता नहीं उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा। अभी तो उनका भी एक्सप्रेशन देखना बाकी है। अभी मैं घर पे यही बता के आई थी, सिर्फ वैक्स करवाने जा रही हूँ मैं, अब पता चलेगा जाने के बाद। Thank you.
किसको बताना चाहिए था ये? चलो काजल को बताना चाहिए था, लेकिन चुपके चुपके इन्होंने लगा दिया, बहुत गलत बात है। आपके लिए अत्याचार कितने कितनी बार और सहा जाएगा? ए मेरी बात पानी पानी Yes. ये और दिनों की कसर निकाली जा रही है, जो मैं बीच बीच में नहीं नहाई हूँ ना, उन सब की कसर आज निकाली जा रही है। अब आपका ड्रायर होएगा, उसके बाद प्रेसिंग होगी। ड्रायर होगा, फिर प्रेसिंग होगी, और उसके बाद क्रीम अप्लाई होगी, लास्ट न्यूट्रलाइजर लगेगा। सुन रहे हैं, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारे नहीं हो रहा ना, तुम्हें नहीं पता। भैया बार बार मना कर रहे हैं कि हिलाना नहीं है। यहाँ से नहीं चलेगा ये। कौन आ रही है? मजा यहाँ से ही है। बिल्कुल भी नहीं।
लगता है सारी कसर निकाल ली जाएगी। हो गया ठीक है। आपको लग रहा है? नहीं लग रहा, हल्का फुल्का हो गया। आपको भी नहीं लगेगा? अभी तक तो लगा है, रो भी चुकी मैं। अच्छा। सारा काजल धुल गया मेरा। कोई नहीं, काजल मैं दे दूंगा आपको, ये काजल है, चले जाना। देखा गाइस, अगर आप भी करवाने आओगे ना, रहोगे तो भी है, आपको भी फ्री काजल देंगे। हाँ, काजल फ्री मिलेगी आपको। हम आपको काजल देंगे। ये हमारे पीछे खड़ी काजल। काजल मास्क नीचे करो ना। ये वाली काजल फ्री मिलेगी। नीचे कर ले, फिर ज्यादा लाइक मिलेगी। ये घर का काम नहीं करेगी आपके तीन दिन तक। सो गाइस, अब मुझे दो दिन और आना है कल के लिए। कल क्या करना है? प्रेसिंग करनी है, और उसके नेक्स्ट डे हेयर वॉश होगा, देन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मेरा हेयर कैसा होगा, कितने टाइम तक चलेगा, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। सो फाइनली मेरा लुक ये है। सो गाइस, हम लोग सलून से निकल चुके हैं और घर जाएंगे। उससे पहले मैं अपने कपड़े लूँगी, कपड़े लेने के बाद सीधा घर। हालांकि मुझे और भी सामान लेना था, लेकिन अब सामान लेना कैंसिल, वो फिर नेक्स्ट डे देखूँगी।